तो आपकी ये मांग थी और ये कह रहे थे भी हम है वो उसकी बोली उसी प्रकार से वो जो आपके कार्टून वगैरह करके वो उसमें करते हैं ग्रेडिंग वगैरह। तो ये तय हुआ है कि किसान की मर्जी, वो टोली में चाहे भाई मेरी टोली में बोली लगानी है तो टोली में बोली लगाए, अगर वो ग्रेडिंग करवाना चाहे तो ग्रेडिंग करें। दो ऑप्शन आपके पास, आपकी मर्जी, ठीक है भाई। ये कोई बात ही नहीं है कि नहीं मैं तो ट्रैक्टर में टोली में ये आते, ये तो सबकी बात है, ये हम मैं जो बात कर रहा हूँ ये सभी मंडियों में बात है, ठीक है ना। तो ट्रैक्टर की टोली में अगर बोली लगाना चाहे तो वो लगाए, और अगर वो आप किसान चाहे नहीं मैं तो ग्रेडिंग में उसको पैसे ढंग के आते हैं या वो जो भी स्थिति है तो वो बोली वो करे, वो आपकी मर्जी पर है, ठीक है। अगली बात आई थी कि एडवांस बुकिंग ऐप प्रक्रिया जारी रखी जाने की बात रही। एडवांस बुकिंग में क्या होता है, इधर इनसे भी बात हुई इनसे भी बात हुई, तो अपन के अधिकांश किसान ये बका कि भाई बुकिंग वाले मामला टोकन वाला होता है ना, तो क्या सीधे आदमी से संपर्क कर जाता है कि भाई आज फलाने दिन को आ जाना और हमारा वो माल हो ले लेंगे। अगर ये खत्म कर देते हैं टोकन वाले सिस्टम तो क्या होगा, आप सभी बिना टोकन के बिल्कुल एकदम पूरे पूरे एक ही जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी जगह जाना है, ठीक है ना। इसलिए टोकन से क्या अपन के किसानों का उल्टा फायदा है, अपन को पता होता है फलान की मंडी में जाना है या इस मंडी में जाना है, क्योंकि अपन के उस व्यापारी से सीधा संपर्क होता है, ठीक है ना। हाँ तो वो तो जा वो अगली बात है, ये वो अगली बात है टोकन में कोई, इसमें हमने आगे ये बात रखी है कि कोई भी ये नहीं है कि टोकन में टोकन जिसको दे दिया वो उधर जाकर के बंद जाएगा, ऐसा नहीं, आपकी मर्जी है जहां जाओ। अरे वो जा नहीं सकता वो खत्म बात कर दीजिए भैया, वो बात खत्म कर दी। अरे भाई जब तक मैं तो रजिस्ट्री वीडियो कैंसिल करने वास्ते दावा कर सकोगे और आते तो एक मात्र टोकन दियो भाई तू ठीक है मारखंड हाजिर हो माथा और माल ले लो, तो इसमें कोई किसान बंद नहीं सकता। और इन्होंने मंडी वालों ने कहा सर ये हमारे बीच में नॉर्मल एक बातचीत है, अगर वो किसान को ढंग का नहीं लगता है तो भले टोकन ले लिया क्या हो गया, कोई तो पता तो लिया नहीं, जाओ अपने की दूसरी जगह बेच लो, तो इसमें वो कोई समस्या नहीं, आप फ्री है इसमें। अच्छा एक बात आई थी कि जो कैरेट होता है जो आपने ये पढ़ा है यही है ना, हाँ तो इसमें एक किसानों की एक आपकी बात रखी थी कि इसका जो भार है मान लो 300 ग्राम है या 400 ग्राम है, उसकी जगह वो लगभग किले एक किला सवा किलो ऐसा कुछ लेते हैं, दो किलो लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये हमने स्पष्ट रूप से मंडी व्यवसाय को बता दिया है जितना भार होगा उतना ही आपको गणना करना है। एक ग्राम भी ज्यादा नहीं होता है, आपको पता है ना जब अपन किराने के सामान पर वो शक्कर तोलाते हैं ना, तो उसमें जो प्लास्टिक की थैली होती है ना उसका भी भार होता है और उसको भी दुकानदार को थोड़ी सी चिट्ठी भर शक्कर ज्यादा लेकर पड़े, ठीक है। तो ये भी आते हो गया कि आपके उसका ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात आई थी भुगतान की, तो भुगतान वाले मामले में कुछ समस्या ये बता रहे थे कि भाई किसी किसी का बार बार महीना में पेमेंट रहा है, हालांकि इन्होंने कहा कि ऐसा कोई ज्यादा लोगों का तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों का है, तो इन्होंने कहा भाई हम ज्यादातर तो लोगों को रोकड़ी पेमेंट देते हैं, किसानों की क्या हमेशा रोकड़ होता है वो मामला उतना नहीं चलता है तो रोकड़ी ज्यादा देते हैं, और जल्दी से जल्दी ये कह रहे हैं हम 48 घंटे के अंदर अंदर इनका पेमेंट कर देते हैं, तो 48 घंटे के अंदर पेमेंट की बात इन्होंने कही, ठीक है आपका पेमेंट 48 घंटे के अंदर हो जाता है। और एक ये समस्या आ रही थी कि बोली है वो 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक होती है, तो इन्होंने सहमति दी मंडी वालों ने कि सर हम बोली है वो सुबह 10 बजे से ही शुरू कर देंगे 10 बजे से ही। मैंने तो उनको कहा भाई हेट होगा तो सुबह 8 बजे पेड़ी लगा पर बैठ रहे कहते 10 ही क्यों बजाओ, और किसान तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जावे, मैं तो तैयार बैठा है माल बेचना है, तो इन्होंने कहा सर हमारे वो सारा सेटल होता है तब तक है हम जल्दी से जल्दी नहीं तो 10 बजे तो हम अपनी पेड़ी लगाकर बैठ जाएंगे बोली शुरू कर देंगे, तो ये भी आपकी इस बात है वो मान ली गई है। और एक दूसरी बात ये कही गई जो आप किसान लोग लेकर आते हो ये ट्रैक्टर वगैरह
ये हाईवे पर बहुत ही अस्त व्यस्त होती, देखो खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट हो गया तो किसी अपने ही किसान की हानि होगी, इसलिए इनको हमने कहा है कि भाई ये ट्रैक्टर वगैरह जो भी व्यवस्था है इसकी यातायात की व्यवस्था है मंडी व्यवस्था ये खुद अपनी करेंगे। किसी प्रकार की भीड़ भाड़ है वो हाईवे पर नहीं होनी चाहिए, हाईवे पर किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, जो कि ये अपने आप अपनी व्यवस्था है वो करवाएंगे, सुनिश्चित जगह होगी वहां पर आपको खड़ा करवाएंगे ट्रैक्टरों को। और ये बात